नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में ब्लडी डैडी के बारे में। ब्लडी डैडी स्टारिंग शाहिद कपूर, रोनित रॉय, राजीव खंडेलवाल, डायना पेंटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो मूवी है उसे डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर द्वारा। और ये जो मूवी है वो जियो सिनेमा पे OTT स्ट्रीमिंग हुई है कल रात से ही। सो बेसिकली ये जो ब्लडी डैडी मूवी है उसकी कहानी है वो एक रात के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लॉकडाउन का समय है 2020-2021 का, जहाँ पे लॉकडाउन जो है जस्ट ओपन ही हुआ है। और वहाँ पे सारी जो बिजनेसेस हैं, हम जैसे जानते हैं कि बिजनेसेस सारे ठप हुए थे, तो यहाँ पे भी यही सिक्वेंस से मूवी स्टार्ट होती है। बिजनेसेस सारे जो है वो ठप हुए हैं, होटल बिजनेस में इसमें ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो उसी के कारण जो है सारे जो बिजनेसेस यहाँ पे होटल के रिलेटेड जो भी बिजनेस हैं वो यहाँ पे बताया है। और इस बीच हम देखते हैं कि एक एंटी करप्ट पुलिस ऑफिसर जो है, एंटी करप्शन का एक पुलिस ऑफिसर सुमेर प्लेड बाय शाहिद कपूर, वो गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में सुबह 6 बजे एक केस को हैंडल कर रहा है। ड्रग माफिया है उनके जो हैंडलर है, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी हैंडलर होते हैं उनको ड्रग्स के साथ पकड़ने की जो उसकी जो प्लानिंग होती है वो सुबह वो क्रिएट करता है। एंड फिर वो पकड़ भी लेता है, ठीक है, बट एक्स्ट्रा 3 किलो उसे मिल जाता है। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि उसका एक जो मेन चीज़ है, शाहिद कपूर जो है सुमेर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसकी एक कीमती चीज़ रोनित रॉय जो मेन माफिया किंग जिसे हम कहते हैं इस मूवी में, सिकंदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिसकी एक होटल भी है, तो उसके पास शाहिद कपूर के कैरेक्टर जो है सुमेर उसकी एक कीमती चीज़ है, और रोनित रॉय जो है सिकंदर उसकी कीमती चीज़ ड्रग्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें है, बैग कोकीन की बैग, वो शाहिद कपूर के पास है। तो ये एक डील होती है कि वो कोकीन की पूरी बैग उसे पहुंचा दे और उसकी जो कीमती चीज़ है वो लेके जाए। तो यही कहानी है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जिस ट्विस्ट के वजह से हमें ये जो कहानी है बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही एक्शन से भरपूर हमें लगती है। यहाँ पे ट्विस्ट भी है, एक्शन भी है, ब्लडी ब्लड 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 सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है, बट वो भी 1.25 घंटे बाद। 1.25 घंटे तक सब कुछ आराम से चल रहा है, सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही है, यहाँ पे कहानी के साथ साथ कैरेक्टर भी डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी कहानी हमें बताई जाती है। दूसरी तरफ है राजीव खंडेलवाल का कैरेक्टर जो कि एक मेन ऑफिसर है, उसके साथ है डायना पेंटी का कैरेक्टर, वो सुमेर के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ड्रग माफिया के साथ जो है वो मिला हुआ है। अब जो बैग होती है कोकीन की बैग, वो संजय कपूर जो है हामिद उसकी बैग होती है। तो यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ट्विस्ट है, यहाँ पे टर्न्स है, ब्लर है, एक्शन है, कंफ्यूजन है, बट जहाँ पे राजीव खंडेलवाल का जो कैरेक्टर है वो सबसे मेन कैरेक्टर है और सबसे हाईलाइट कैरेक्टर है, उसी के वजह से ये मूवी में सरप्राइज क्रिएट होता है, एंड तक हमें देखने में मज़ा आता है, ठीक है। और ये पूरी कहानी है ब्लडी डैडी की, एक रात की ये पूरी कहानी होटल में घूमती रहती है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में शाहिद कपूर हो, राजीव खंडेलवाल हो, डायना पेंटी हो, रोनित रॉय हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर हो, संजय कपूर हो, छोटे से छोटा कैरेक्टर अपनी छाप छोड़ के, इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, तो हमें देखने में मज़ा आता है। यहाँ पे बेसिकली जो फादर एंड सन का जो बॉन्ड हमें यहाँ पे बताया है वो बहुत ही इमोशनल कर देता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि एक फादर जो है अपने सन के लिए कितने हद तक चला जाता है, कौन से हद पार कर देता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है फादर सन के रिलेशनशिप द्वारा, वो कैरेक्टर्स भी डेवलप किया गया है। और यहाँ पे दूसरा एक मेन चीज़ जो है आटा वाला सीन है, मैं नहीं कहूँगा क्या है वो, बट जो आटा वाला सीक्वेंस है यहाँ पे होटल में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। और वो जो ट्विस्ट जो है इसमें ब्लडी डैडी में बहुत ही मज़ेदार है। एंड यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं नोटिस करने की कोशिश करूँगा कि राजीव खंडेलवाल को शाहिद कपूर द्वारा मारा गया है, ठीक है, चोट लगती है, इतने सारे खून बह जाते हैं यहाँ से, बट दूसरे सीन में अगर हम देखेंगे तो उसके जो चोट है नाक से जो खून बह रहे हैं वो बंद हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो याद रखनी ज़रूरी थी, ठीक है।
बाकी ओवरऑल ये मूवी बहुत ही अच्छी है। म्यूज़िक इस मूवी का ठंडा है, लास्ट में एक गाना है वो बहुत ही अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल जो गाने हैं, दो गाने हैं, वो बहुत ही बेसुरे हैं, बहुत ही थकेले हैं, अच्छा नहीं लगता है। खाली एक ही गाना है लास्ट में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, इमोशनल है। और बेसिकली डायलॉग्स अच्छा है, इम्पैक्टफुल डायलॉग्स है, और हमें सुनने में और मूवी देखने में बहुत ही इंटरेस्ट बना के रखता है। तो ओवरऑल ब्लडी डैडी जो है वो एक एक्शन से भरपूर है, ब्लडी एक्शन है, ब्लडी इमोशंस है, और इसमें फादर एंड सन के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ब्लडी डायलॉग्स यहाँ पे दिए गए हैं, और बहुत ही तेज तर्रार एक्शन, और बहुत ही यहाँ पे एक्शन तो इतने मजबूत है के पूछो ही मत। एक्शन ये ब्लडी डैडी मूवी का हाईलाइट है, मैं कहूँगा। सो ओवरऑल ब्लडी डैडी एक अच्छी मूवी है, गाने अच्छे होते या फिर दो तीन चीज़ें अच्छी होती तो और इम्पैक्टफुल बन सकता था। बाकी ये स्ट्रीम फ्री हो रही है जियो सिनेमा पे, मैं ब्लडी डैडी को अपनी तरफ से दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर ब्लडी डैडी। अगर आपने नहीं देखी है तो जियो सिनेमा पे ये स्ट्रीम हो रही है, आप देख सकते हैं इसे। और मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।